मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सीधी पहुंचे। यहां एनडीटीवी ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से सीधी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, आप सीधी प्रवास पर हैं आज एक दिवसीय, और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है। जिला चिकित्सालय में आधे चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं, क्या कहें इसका? समीक्षा प्रदेश स्तर में मैंने की है जी। कि ये बात भी सही है कि नेशनल हेल्थ मिशन और राज्य सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों को बहुत संगठनात्मक रूप से मौजूद करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी कई गैप्स हैं जो आप बता रहे हैं, तो उसके लिए कितने अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है उसको वर्कआउट करके हम लोग नए पदों की स्वीकृत करेंगे, भर्ती करेंगे और उपलब्ध कराएंगे। 11 पद स्वीकृत हुए थे, उसमें एक डॉक्टर यहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं, आज उस तारीख भी पूरी हो गई है जो ज्वाइनिंग की तारीख थी। 11 डॉक्टरों के अभी यहाँ आदेश जारी हुए, फिर दूसरे को करेंगे, क्योंकि ज्वाइन करना तो सामने वाले के ऊपर रहता है। लेकिन MBBS करके जो बच्चे निकलते हैं उनको अपन बॉन्ड पोस्टिंग देते हैं, चाहे वो MBBS हो चाहे वो PG स्टूडेंट हो, एक वर्ष उनको ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं नौकरी जहां पोस्टिंग होगी करना पड़ेगा, और फिर अगला बैच जो आएगा उसको भी इस तरीके से भेजते रहेंगे, तो जिससे कि डॉक्टरों की कमी ना आए। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि पोस्टिंग करने के बाद भी बहुत से बच्चे या तो बाहर चले जाते हैं या कभी कभी वो बॉन्ड का पैसा जमा करने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसका रास्ता निकालने का हम लोग मॉनिटरिंग करने का और लोगों से संपर्क करके उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि एनेस्थीसिया के 3 और जो आर्थो के हैं वो 4 पद पूरे खाली पड़े हुए हैं, कब से इसको हम दिखवाते हैं जी। अभी हमने बात की है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से, जिनका कहना था कि जो सीधी में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको हम बेहतर करेंगे, जो भी चिकित्सकों के पद खाली हैं उनको भरेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित सिंह, NDTV सीधी।